हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर टोटल 151 पदों के लिए भर्ती निकल कर आ रही है। इसमें कोरबा, कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर, दुर्ग, इन सभी जगहों से ये भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसकी योग्यता, सैलरी, आवेदन पत्र की संपूर्ण जानकारी है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कोरबा जिला छत्तीसगढ़ की तरफ से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें फ्रेश अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से यहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखते हैं पदों का विवरण। इसमें कोरबा जिला विकासखंड कटघोरा और विद्यालय का नाम है छुरी कला। यहाँ से पीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए एक पद है, टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए दो पद है, संस्कृत और गणित के लिए एक एक पद है और विज्ञान के लिए यहाँ पर पद नहीं है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी पद नहीं है। टोटल यहाँ पर 5 पदों के लिए यहाँ पर कटघोरा विकासखंड से वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है विकासखंड पाली के लिए है, विद्यालय का नाम लाफा। यहाँ पर टीजीटी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के लिए एक एक पोस्ट है और गणित विज्ञान के लिए दो दो पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 8 पदों के लिए यहाँ पर पाली विकासखंड में वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड, विद्यालय का नाम रामपुर। यहाँ पर टीजीटी हिंदी और अंग्रेजी के लिए दो दो पद है, संस्कृत के लिए एक पद है, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए भी दो दो पद रखे गए हैं। इस प्रकार से पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड से यहाँ पर 11 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल यहाँ पर 24 पदों के लिए कोरबा जिला से वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक होना अनिवार्य है, साथ में बीएड होना अनिवार्य है, साथ में सीटेट या एस्टेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है पीजीटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है, साथ में यहाँ पर बीएड होना अनिवार्य है और हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पे शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए और शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष रखी गई है और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दे दी गई है। मंथली पेमेंट यहाँ पीजीटी के लिए 45,000 प्रति माह का पेमेंट है, टीजीटी के लिए 42,000 प्रति माह का पेमेंट रखा गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया, विज्ञापन के पदों पर आवेदन करने के लिए आपको आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। जिला के वेबसाइट www.korba.gov.in पर आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिला जिलावार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ में सभी दस्तावेज का स्वप्रमाणित अभिलेख यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य है और एक बंद लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है और भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक या अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है 12 मई 2023 तक। आवेदन पत्र के साथ में ये सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अंक सूची, यहाँ पे हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, टेट, सीटेट और कार्य अनुभव का यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यहाँ उसके सेवानिवृत्त के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवानिवृत्त की तिथि तथा उसके कार्य व्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है, जिले का नाम, संवर्ग का नाम, आवेदक का नाम, जाति, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और यहाँ पे शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर अनुभव डाल देना है अपना। यहाँ पे पद स्थापना हेतु प्राथमिकता क्रम, यहाँ पे स्कूलों का नाम प्राथमिकता क्रम में डाल देना है। यहाँ पे अंत में घोषणा पत्र है, दिनांक, स्थान और आवेदक के यहाँ पे हस्ताक्षर है। ये फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप था और ये सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। तो ये तो पूरा यहाँ पे सेम रहेगा,
इसमें अंत में पे जुड़ जाता है, ये दोनों यहाँ पर लगा देना है। गोपनीय चरित्रावली का विवरण यहाँ पे लगा देना है। फिर घोषणा पत्र के बाद में यहाँ पे अंतिम निर्णयकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के लिए ये वाला प्रारूप रखा गया है, इसे भी फिलअप करवा लेना है। इसके बाद ये सभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा कर एक बंद लिफाफे में आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 12 मई 2023 तक अपना आवेदन भेज देना है। आवेदन भेजने का जो एड्रेस है, कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला कोरबा छत्तीसगढ़, इस एड्रेस पर अपना आवेदन जो है भेज देना है। दूसरी वैकेंसी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको आवेदन करना है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर कार्यालय है। वॉक इन इंटरव्यू का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, इस एड्रेस में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। देखते हैं पदों का विवरण। पहला पोस्ट है MLT 1, एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। सैलरी 11,390 प्रतिमाह। एजुकेशन क्वालिफिकेशन DMLT और BMLT कोर्स विद रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। वॉक इन इंटरव्यू डेट 13 मई 2023। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, टोटल पोस्ट 14 और सैलरी है 12,170। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ट एंड लाइव छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। वॉक इन इंटरव्यू डेट 16 मई 2023। नेक्स्ट है ANM, टोटल पोस्ट 1, सैलरी 11,390। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ANM कोर्स पास्ट इन इंडिया नर्सिंग बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। वॉक इन इंटरव्यू डेट 13 मई 2023। नेक्स्ट पोस्ट प्राइमरी अकाउंट कम डाटा असिस्टेंट PADA, टोटल पोस्ट 1, सैलरी 11,390। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास्ट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन। वॉक इन इंटरव्यू डेट 15 मई 2023। नेक्स्ट DEO सेक्रेटरियल असिस्टेंट, एक पोस्ट 11,390 सैलरी, मंथली सैलरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास्ट विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वर्क इन इंटरव्यू डेट 15 मई 2023। नेक्स्ट OT टेक्नीशियन, एक पोस्ट 11,390 मंथली सैलरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान रसायन एवं भौतिकी विषय में 10+2 उत्तीर्ण। OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कोर्स में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और वॉक इन इंटरव्यू 13 मई 2023। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पदों की संख्या 87, पेमेंट 12,170 मंथली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ट एंड लाइव छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल विथ रिच कोर्स पास सर्टिफिकेट और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ इंटरेटेड कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए एंड लाइव छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। और इसका वॉक इन इंटरव्यू डेट 17 मई 2023। नेक्स्ट फार्मासिस्ट, पदों की संख्या 3, सैलरी 12,170 मंथली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के साथ एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल यहाँ पे होना चाहिए। 13 मई 2023 इसका वॉक इन इंटरव्यू का डेट। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद रखे गए हैं। मंथली पेमेंट है इसका 10,610, इसका मंथली पेमेंट रखा गया है। 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 15 मई 2023 इसकी अंतिम वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है। और नेक्स्ट है VBD टेक्निकल सुपरवाइजर, पदों की संख्या 1, पेमेंट है 11,390। ग्रेजुएट फ्रॉम देयर बायोलॉजी स्ट्रीम और ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट इन क्लास 11 एंड 12 विल बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट विद द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। वर्क इन इंटरव्यू 15 मई 2023। नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड, टोटल पोस्ट 1,
सैलरी 9960, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, और यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आवेदन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू का डेट 15 मई 2023। इस प्रकार कोंडागांव जिले से टोटल 113 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन हेतु निर्धारित तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं शैक्षणिक अन्य अर्हताएं यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ में समस्त प्रमाण पत्रों का स्वप्रमाणी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है 100 रुपये। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा और अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन का शुल्क जो यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से गूगल पे, फोन पे या जिला स्वास्थ्य समिति के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक में जमा करना होगा। पावती आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। कौशल परीक्षा के लिए अलग से जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। कोंडागांव जिले के विभागीय वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। चयन के संबंध में समस्त सूचना और जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के सूचना पटल पर एवं जिले के विभागीय वेबसाइट पर समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा और अलग से कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो इसकी जो है सभी जानकारी के लिए यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देना है, दिनांक, पद का नाम लिख देना है, अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या नहीं ये डाल देना है, और अपना सभी पैरा मेडिकल काउंसिल पंजीयन का पंजीयन का नाम एवं क्रमांक एवं दिनांक यहाँ पर डाल देना है, अनुभव प्रमाण पत्र का विवरण दे देना है, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन का विवरण यहाँ पर दे देना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सभी डॉक्यूमेंट जो भी संलग्न करें वो यहाँ पर डाल देना है। अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र है, स्थान, दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर और पूरा नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आवेदन भर के सभी दस्तावेजों के साथ में इसे लेकर आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन उपस्थित होना है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दिन वॉक इन इंटरव्यू रखी गई है। डेट आपको बता दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के एक का एड्रेस है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। इस एड्रेस में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। नोटिफिकेशन की पीडीएफ और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आज की तीसरी वैकेंसी है कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षण छत्तीसगढ़ अरण्य भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से वर्क इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है। इसमें है इसका डिटेल है छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित अनेक हितग्राही मूलक योजना जैसे कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना इत्यादि योजनाओं के संचालन, संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, योजनाओं के लाभ तथा पात्र हितग्राहियों के संबंध में वन विस्तार के माध्यम से हितग्राहियों या सामान्य जनता को जानकारी देने, क्षेत्रीय कर्मचारियों को सहयोग देने तथा वन विस्तार कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए वन वृत्त में 2-3 MSc BSc वानिकी शास्त्र फॉरेस्ट्री योग्यताधारी व्यक्तियों से पारिश्रमिक दर पर वन विस्तार सहायक के रूप में चयन हेतु दिनांक 8 मई 2023 को ऑफलाइन वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा एवं दुर्ग वृत्त में किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, पारिश्रमिक दर एवं आवश्यक आयु का विवरण निम्नानुसार है। तो इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती लिया जाना है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट इसमें रखी गई है 8 मई 2023 और यहाँ पे पद का नाम है वन विस्तार सहायक। देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे MSc, यहाँ पे फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ साइंस में MSc होना चाहिए फर्स्ट डिविजन के साथ में, और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और कंप्यूटर का आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको पेमेंट दिया जाएगा मंथली 24,000 और यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। और अगर आप BSc किए हैं तो आपको यहाँ पर BSc के साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पर
बीएससी वालों को यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा 21,000 मंथली और आयु सीमा वही रहेगी। साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ में समस्त मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वहस्तांतरित छाया प्रति, एक पासपोर्ट साइज, नवीनतम फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति सहित वॉक-इन इंटरव्यू की डेट को 8 मई 2023 को प्रातः 10 बजे तक संबंधित मुख्य वन रक्षक कार्यालय में अपनी उपस्थिति देवे। और यहाँ पर विस्तृत जानकारी जो है इसकी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, या ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। पदों की संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। सरगुजा में यहाँ पर 3 पद है, जगदलपुर में भी 3 पद है, रायपुर जिला में 2 पद है, बिलासपुर में 2 पद है, कांकेर में, कांकेर जिला में भी यहाँ पर 2 पद है, दुर्ग जिला में भी 2 पद। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 6 जिला से 14 पदों के लिए ये वन विस्तार सहायक यहाँ पर पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन का प्रारूप जो है इसी पीडीएफ में संलग्न है। देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। ये आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर अपना सप्रमाणित फोटो लगा देना है, और यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिख देना है, अपना शैक्षणिक योग्यता का डिटेल डाल देना है, कंप्यूटर की दक्षता का डिटेल यहाँ पे डाल देना है, वर्तमान में कहीं और कार्यरत है तो उसका डिटेल डाल देना है, अनुभव डाल देना है, और यहाँ पे दस्तावेजों की सूची डाल देना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाएंगे, अपना स्थान, दिनांक और अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर और नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। इसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट यहाँ पे रखी गई है 8 मई 2023। वॉक इन इंटरव्यू का स्थान आपको बता दिया गया है। तो ये थी आज की वैकेंसी। आज की वैकेंसी में मैंने टोटल 151, तो ये थी आज की वैकेंसी। आज की वैकेंसी में मैंने टोटल 151 पदों के लिए जो भर्ती निकली इसके बारे में बता दिया है। तीनों ही वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो अगर आप इनके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।